गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट। सब्जेक्ट है बच्चों भाषा भास्कर हिंदी। चैप्टर है आपका 17। सभी बच्चे निकालेंगे, पेज नंबर 75 पर जाइए। बच्चों देखिए, पाठ आपका 17 है, स्वस्थ जीवन सुखी जीवन। बच्चों जब हमारे कोई भी बीमारी नहीं होगी तो वो क्या कहलाता है? स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जो जीवन होता है वो कैसा जीवन होता है? सुखी। तो देखिए कुछ शब्दार्थ हैं, देख लेते हैं। सेहत, सेहत का अर्थ होता है बच्चों तंदुरुस्ती। नित प्रतिदिन, बासी देर का पका हुआ जो खाना होता है वो, जैसे बासी रोटी बोलते हैं ना। तन शरीर होता है, बलवान शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन है। इस चैप्टर में, इस पाठ में, 17 में क्या कहा गया है कि स्वस्थ जीवन जो होता है वही कैसा जीवन होता है? सुखी जीवन। सुखी जीवन के लिए हमें क्या करना चाहिए? रोजाना नहाना चाहिए, दांतों की सफाई करनी चाहिए और साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे क्या है, कोई बीमारी भी नहीं लगे, बीमारी हमसे दूर भागे। ताज़ा और पौष्टिक भोजन शरीर को कैसा बनाता है? शक्तिशाली, बलवान बनाता है, ठीक है। तो देखिए ये एक पोयम की तरह है बच्चों, कविता की तरह है। मल मल कर तुम रोज नहाओ, मल मल कर यानी रगड़ रगड़ कर नहाओ, अपनी अच्छी सेहत बनाओ, रोज दांत की करो सफाई, कभी न आए कोई खराबी, धुले हुए नित कपड़े पहनो, बीमारी को दूर भगाओ, बासी खाना कभी न खाना, तन अपना बलवान बनाना। तो बच्चों जैसे ऊपर आपको सारांश में दिया गया है कि हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए और रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से साफ नहाना चाहिए, रोज़ प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए, जिससे क्या है, हमारे दांत अच्छे रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। धुले हुए नित कपड़े पहनो यानी साफ़ सुथरे और धुले हुए हमें कैसे कपड़े पहनना चाहिए, जिससे क्या है, बीमारी दूर भाग जाती है। और बासी जो खाना होता है उसको नहीं खाना चाहिए। तन अपना, तन यानी शरीर, शरीर को कैसा बनाना है? शक्तिशाली, बलवान मीन्स शक्तिशाली। तो बच्चों आपको ये पोयम कविता अच्छी तरह से याद करना है और सुनाना भी है, ठीक है। कौन कौन बच्चा सुनाएगा, और व्हाट्सएप पे या आपके ग्रुप में बोलकर सुनाकर भेजना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आंसर कुछ देख लेते हैं। पाठ ज्ञान, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं बच्चों हम डॉक्टर के पास? जब बीमार हो जाते हैं। दांतों में दर्द क्यों होता है? क्योंकि हम साफ नहीं करते अपने दांतों को, इसलिए हमारे क्या होते हैं, दांतों में दर्द होता है। पेट में दर्द क्यों होता है? पेट में दर्द जब हम बासी खाना खा लेते हैं या फिर क्या खा लेते हैं, बासा या एक दो दिन पहले का खाना खा लेते हैं, तो हमारे पेट में क्या हो जाता है बच्चों, दर्द हो जाता है। पढ़िए और समझिए, हमेशा साफ पानी पिए। हमेशा हमें कैसा पानी पीना चाहिए? साफ, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर बच्चों आपको हम कल करवाएंगे, वैसे खास नहीं है। और जो प्रश्न मैंने बताया, हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, दांतों में दर्द क्यों होता है, पेट में दर्द क्यों होता है, आपको हिंदी की होमवर्क की नोटबुक में करना है। ओके बच्चों।